हेलो एवरीवन, मैं कोमल आपका कोमल्स किचन में स्वागत करती हूँ। और आज हम बनाने वाले हैं काजू ड्राई फ्रूट टाको। हाँ जी, आप देख सकते हैं कितनी ही लाजवाब और स्वादिष्ट ये मिठाई दिख रही है, उतनी ही टेस्टी ये मिठाई खाने में भी है। इस मिठाई को हम बाजार से 1000 रुपए किलो में खरीदते हैं। आज आपको मैंने कम दाम में ये मिठाई घर पर बड़े ही आसान तरीके से आज हमने आपको ये बनाना सिखाया है। आप अपने घर पर इस मिठाई को जरूर ट्राई कीजिएगा और सबकी तारीफ लूटेंगे। आप कहाँ से बनाना सीखा आपने इतनी अच्छी और कम दाम वाली ये मिठाई। तो चलिए देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। ये मैंने 1 कप काजू लिया है। ये 250 ग्राम काजू है। ये रोस्टेड काजू मैंने इसे रोस्ट कर दिया है हल्का सा कढ़ाई में चला के। इसे अब हमें पाउडर बना देना है। जितने काजू लिए हैं उतनी ही हमें शक्कर लेनी है। ये मैंने काजू को पीस के बारीक सा पाउडर बना दिया है। जितने काजू लिए थे उतनी मैंने शक्कर ली है। 250 ग्राम काजू थे, 250 ग्राम शक्कर है। उसमें हम डालेंगे 1/2 कप पानी और इसे कंटिन्यू हमें चलाते रहना है। इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। इसमें एक तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है, हमें सिर्फ शक्कर को गलने तक का इंतजार करना है। ये चाशनी से तैयार हो गई जो मैंने काजू को ग्राइंड किया था। हमें इसे धीरे धीरे करके उसे डाल देना है। इसे देखिए, इसे कंटिन्यू धीरे आंच पे चलाते रहना है ताकि लम्स ना पड़े और हमारा जो डो है वो अच्छा सा बन पाए। आप देख रहे हैं इसे मैं कंटिन्यू चलाती रह रही हूँ। इसे तब तक चलाना है जब तक ये डो सूख नहीं जाता है। और आप देख सकते हैं चलाते चलाते काजू का जो पेस्ट है वो थोड़ा गाढ़ा हो गया है। और अब हम गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद भी आप कम से कम इसे 10 मिनट तक इसी तरीके से चलाते रहिएगा जब तक एक डो जैसा फॉर्मेट नहीं हो जाता। जब डो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा तब आप इसे ठंडा करने के लिए कुछ देर के लिए रख सकते हैं। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसे कंटिन्यूसली चला रही हूँ क्योंकि बर्तन अभी गर्म है। कंटिन्यू करी कढ़ाई को घुमाने के बाद ये टाइप सा मैंने एक डो तैयार किया है। मैंने काजू, बादाम और पिस्ते तीनों को बड़े फाइन सा मैंने चॉप करके रखा है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच शहद। अब आप सोचेंगे हमने शहद क्यों डाला। हमें एक अच्छा सा इसका डो जैसे बना देना है ताकि काजू, बादाम, पिस्ते आपस में चिपक जाए और सभी चीज का एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और आप देखिए शहद की वजह से सारे नट्स आपस में मिल चुके हैं। पॉलिथीन रखा है जिसके ऊपर मैंने एक लोई बना के डो की रख दिया है। अब हमें इसकी रोटी बना देनी है। हल्के हल्के हाथों से बेलिएगा ताकि एक अच्छी सी रोटी बन जाए। ना हमें ज्यादा पतली बनानी है ना ज्यादा हमें मोटी बनानी है। 1/2 इंच के साइज की हमें एक रोटी बना देनी है। रोटी के आकार का अच्छे से बेल दिया है। ये 1/2 इंच मोटा है। आप देखिए ये 1/2 इंच मोटा है। अब हम एक गिलास या कटर के सहारे से इसे काट देना है। और आपको साइज दिखा रहे हैं, इतनी साइज का हमें काटना है। आप छोटी बड़ी साइज कर सकते हैं। मैंने एक गिलास के सहारे से 10 पीट काट के तैयार कर लिए हैं। अब हमें एक एक हाथ में पकड़ना है। हमने एक एक टाको को अपने हाथ में रख लिया है और बीच में चम्मच की सहायता से थोड़े से नट्स में रख देंगे और इसे टाको जैसा फोल्ड कर लेना है। हल्का सा इसे फोल्ड कर लेना है। इसी तरीके से हम सारा प्रोसेस रिपीट करेंगे। हाथ में आप एक एक सर्कल को लीजिए, फिर उसमें बीच में ये स्टफिंग फिल कर दीजिए और इसे हल्का सा प्रेस कर दीजिए जैसे हम टाको को देखते हैं। उसी तरीके से हमें सारी मिठाइयां बना देनी है। हमारा काजू ड्राई फ्रूट टाको बनकर तैयार है। इस मिठाई को हम बाजार से 1200-1000 रुपए किलो खरीदते हैं, उसे आज हमने आपको घर पर बड़े ही कम दाम में बनाना सिखाया। इसे आप अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। यदि आपको कोमल्स किचन की रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर और कॉमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।